हमारा पहला राउंड 7 अगस्त को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था, जिसमें हमने पूरा हफ्ता 7 से 12 तारीख तक हमने बच्चों को, जो भी बच्चे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पार्शली वैक्सीनेटेड था और प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनको हमने इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत सारों की वैक्सीनेशन की उन बच्चों की। और उसी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत आज से सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है। तो ये सेकेंड राउंड जो हमने इस बार फर्स्ट राउंड हमने लॉन्च किया था कश्मीर में, बेमिना में जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने लॉन्च किया था। और उसी तहत आज सेकेंड राउंड में हमने यहाँ पे एक हार्ड टू रीच एरिया है जो डल में है, शाबरी मोहल्ला इसको कहते हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब देर इज़ नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टिंग बोट, हम किश्ती के ज़रिए यहाँ पे आए हैं और हमारे वर्कर भी यहाँ आए हैं और हमने इस मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों को यहाँ पे वैक्सीनेट किया आज। और हमारी इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का एक ये है कि एक तो सब बच्चों को हमने करना है, जो भी ड्रॉप आउट पार्शली वैक्सीनेटेड या जो ड्यू बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट करना है। और दूसरा हमारा इस मिशन का ये है कि ये डिजिटलाइज्ड है, जो भी बच्चा यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में हर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है पहले ऑन यूविन, और उसका ये फ़ायदा है कि वो बच्चा अगर कहीं भी जाएगा, चाहे आज श्रीनगर में है, कल दिल्ली में गया या कहीं भी, एक बार उसकी रजिस्ट्रेशन यूएन पोर्टल पे होगी तो उन पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली मैसेज आएगी कि नेक्स्ट डोज के लिए वो बच्चा ही इज़ ड्यू फॉर हिज नेक्स्ट डोज, तो उसको वहाँ पे वो लगा सकता है। ये हमें डिजिटलाइजेशन ऑफ यूएन। और तीसरा ये है कि हमारा MR एलिमिनेशन है बाय दिसंबर 2023, सो उसमें भी हमें हर बच्चे तक पहुँचना है, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे मीजल्स और रुबेला बाय दिसंबर 2023।